राजनीति के अपराधीकरण को रोकने के लिए ना कुछ हुआ ना होगा, पार्टियों की हिला हवाली पर सुप्रीम कोर्ट निराश। मणिपुर कांग्रेस में भी बड़ा संकट, प्रदेश अध्यक्ष का इस्तीफा, बीजेपी में शामिल हो सकते हैं 8 एमएलए। सीएम अमरिंदर सिंह की टीम बोली, जब तक माफी नहीं मांगेंगे सिद्धू नहीं करेंगे मुलाकात। बिहार में बन रहा देश का पहला ब्रिज, जहां पर नदी के ऊपर होगी पार्किंग की व्यवस्था। कोरोना प्रभावित 3,817 बच्चों का भविष्य संवारेगी योगी सरकार, अभिभावकों के खाते में भेजी जाएगी 3 माह की धनराशि। नमस्कार, आप देख रहे हैं डीबी भारती समाचार, मैं हूं आपके साथ वर्षा वर्मा। फिरोजाबाद से एक बड़ी खबर, केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी पर अश्लील टिप्पणी के मामले में न्यायालय ने इतिहास विभाग के प्रोफेसर शहरयार अली को भेजा जेल। आपको बता दें, पूरा मामला 7 मार्च 2021 का है, जब एसआर के कॉलेज के प्रोफेसर शहरयार अली द्वारा फेसबुक पर केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी के खिलाफ अश्लील अभद्र भाषा का प्रयोग करते हुए टिप्पणियाँ की गयी, जिसके बाद हिंदूवादी नेताओं में रोष व्याप्त हुआ और भारतीय जनता पार्टी युवा मोर्चा के नेताओं ने थाना रामगढ़ में प्रार्थना पत्र देकर प्रोफेसर के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराई, जिसके बाद न्यायालय ने आज सुनवाई के दौरान प्रोफेसर शहरयार अली को जेल भेज दिया और उनके जमानत प्रार्थना पत्र को भी खारिज कर दिया। कुछ दिन पहले एसआर की डिग्री कॉलेज के प्रोफेसर है श्रीमान शहरयार अली साहब, उन्होंने मर्यादा को तार तार करते हुए केंद्रीय मंत्री श्रीमती स्मृति ईरानी के खिलाफ एक अभद्र टिप्पणी की थी। ऐसी टिप्पणी थी जो इसे लिखने में एक प्रोफेसर जैसे व्यक्तित्व के लिए बहुत अक्षम्य अपराध था। उसके बाद एफआईआर दर्ज हुई और एफआईआर के बाद उन्होंने एंटीसिपेटरी बेल के लिए माननीय न्यायालय में प्रार्थना पत्र दिया, वो खारिज हुआ। उसके बाद वो ऑनरेबल हाईकोर्ट गए, उसके बाद ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट गए, कहीं उन्हें कोई राहत नहीं मिली। आज रेगुलर बेल उन्होंने लगाई थी और सरेंडर किया था माननीय न्यायालय के। माननीय जनपद न्यायाधीश महोदय श्रीमान संजीव फौजदार साहब ने बिल को ट्रांसफर किया और एफटीसी में श्रीमान अनुराग शर्मा साहब ने आज बिल को सुना था, जिस पर हम लोगों ने पैरवी की और उसमें बेल में आज इंटरिम को खारिज कर दिया गया। रेगुलर बेल के लिए अग्रिम तिथि नियत की है, जिसमें सुनवाई होगी। आज शहरयार जेल चलेगी। सुप्रीम कोर्ट ने कोई टिप्पणी की थी, वहाँ से राहत मिली थी, किस तरह की थी? माननीय न्यायालय ने उसको उन्होंने जब आवेदन दिया था, उस पर सुनवाई के दौरान ही उसे वापस ले लिया था तो सुप्रीम कोर्ट ने, लेकिन हाई कोर्ट ने खारिज कर दिया था। ठीक, और आज वो जेल चले गए। खबर है उत्तर प्रदेश के बरेली से। बरेली के किला थाना क्षेत्र के किला छावनी में आज एक युवक का शव मिलने से हड़कंप मच गया। शव की शिनाख्त दर्शन उर्फ सागर के रूप में हुई। युवक देर रात अपने दोस्तों के साथ घूमने निकला था, लेकिन जब काफी देर तक घर वापस नहीं आया तो उसकी तलाश की, लेकिन कोई पता नहीं लग सका। सुबह उसका शव खाली प्लांट पर पड़ा मिला। मौके पर पहुंची पुलिस और फील्ड यूनिट मौके पर पहुंच गई। दर्शन के शव की सूचना मिलते ही उसके घर में कोहराम मच गया। शव पर कई जगह चाकुओं के गोदने के निशान मिले हैं, जिससे प्रतीत होता है कि चाकुओं से गोदकर उसकी हत्या की गई है। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। सब रात को जो है ये 9:30 बजे करीब निकला, उसके बाद में ये वापसी आया नहीं है। यार दोस्तों के साथ में रहा, उसके बाद सुबह सूचना मिली है। पुरानी रंजिश सर किसी से नहीं थी सर, यार दोस्त थे इसके साथ में, इसका एक दोस्त है वो भी लापता है रास्ते। तो कहाँ मिली ये आपने और कैसे हालात में मिले? मुझे तो सुबह जब पता लगा तो यहाँ पे जो है इसकी बॉडी ये मिली बस। कितने बजे की घटना? साहब 9:30 बजे जब ये निकल गया, उसके बाद से ये आया ही नहीं है। रात को मैं ऐसे ढूंढता भी रहा 1:30 बजे तक, लेकिन ये मिला नहीं। ये किला थाना पता है। खबर है उत्तर प्रदेश के सोनभद्र से, जहां नवनिर्वाचित ब्लॉक प्रमुख के शपथ ग्रहण कार्यक्रम में कोविड-19 प्रोटोकॉल को किया गया नजरअंदाज। शपथ ग्रहण कार्यक्रम की मीटिंग हॉल में आए लगभग सभी लोग बिना मास्क के कैमरे में हुए कैद। जहां सरकार कोविड के तीसरे लहर से लड़ने की तैयारी कर रही है, ऐसे में लोगों की लापरवाही का अंजाम कौन भुगतेगा? चौपन विकास खंड में आज नवनिर्वाचित ब्लॉक प्रमुख लीला देवी का हुआ शपथ ग्रहण कार्यक्रम। ओबरा भाजपा विधायक संजीव गौड़ की मौजूदगी में हुआ शपथ ग्रहण कार्यक्रम। पूरे शपथ ग्रहण कार्यक्रम में सुरक्षा व्यवस्था में चौपान SHO नवीन कुमार तिवारी पूरे पुलिस फोर्स के साथ मुस्तैद नजर आए।
खबर है उत्तर प्रदेश के घोसी से। घोसी में तहसीलदार प्रेमचंद श्रीवास्तव ने शपथ दिलाई। प्रमुख ने ब्लॉक के सभी नवनिर्वाचित क्षेत्र पंचायत सदस्यों को शपथ दिलाई। प्रमुख ने ब्लॉक क्षेत्र के विकास के लिए सदैव कार्य करते रहने का संकल्प लिया और कहा कि विकास के प्रति किसी प्रकार की शिकायत नहीं मिलेगी। बिना किसी भेदभाव के सरकारी योजनाओं का लाभ पात्रों को प्रदान किया जाएगा। उन्होंने शपथ ग्रहण समारोह में सभी उपस्थित गणमान्य लोगों का आभार जताया। ब्लॉक प्रमुख का भी उपस्थित जनों ने जोरदार स्वागत किया। इस अवसर पर समस्त ब्लॉक कर्मी उपस्थित रहे। आप सभी लोगों को सम्मान से आमंत्रित किया गया है, लेकिन आप लोगों से यह विनम्र अनुरोध है कि क्या शपथ ग्रहण के लिए उनको स्थान दे दें, जिससे कि यह कार्यक्रम सम्पन्न किया जा सके। खबर है उत्तर प्रदेश के कौशाम्बी से। कौशाम्बी में पीसीएफ के रिटायर कर्मचारी से दो साथी कर्मियों ने 7,50,00,000 की ऑनलाइन ठगी की है। साइबर साथियों ने भुक्तभोगी के सिम का क्लोन बनाकर गेटवे यूपीआई पेटीएम अन्य माध्यम से ऑनलाइन ट्रांजैक्शन कर लिया। ठगी की जानकारी होने पर भुक्तभोगी ने एसपी राधेश्याम से मिलकर ऑनलाइन ठगी की शिकायत की। एसपी के निर्देशन पर सर्विलांस एसओजी एवं मझनपुर पुलिस को सातिरों की गिरफ्तारी के लिए लगा दिया गया। छानबीन के दौरान पता चला कि ठगी करने वाले दोनों सातिर पीसीएफ गोदाम में ही संविदा कर्मचारी हैं। मुखबिर की सूचना पर दोनों को मझनपुर मुख्यालय के पाल चौराहे के पास से गिरफ्तार किया। दोनों ने बड़े ही सातिर ढंग से ऑनलाइन ठगी कर ली थी। उनके कब्जे से 6,16,000 रुपए बरामद किए गए हैं। दिनांक 14/7/21 को एक पीसीएफ के रिटायर कर्मचारी हैं, शुभ नारायण जी, बलिया के रहने वाले हैं। ये रिटायर हुए थे, इनके अकाउंट में 14,00,000 रुपए के आसपास पैसा आया था। तो इन्हीं के साथ दो कर्मी थे जो संविदा पर काम कर रहे थे। एक सर्वेश कुमार मौर्या जो प्रयागपुर थाना गदागंज जनपद रायबरेली के हैं, दूसरा दीपक कुमार जो कुरौली बुधकर जनपद रायबरेली के रहने वाले हैं। इन लोगों ने एक रणनीति के तहत जो है इनके पैसे को फ्रॉड के तहत निकालने की योजना बनाई और इनका जो है सिम पहले इन्होंने चेंज किया, जो इनका बैंक से अकाउंट से लिंक था सिम, उसको उन्होंने बंद कराया कंप्लेन करके। इसके बाद उसी नंबर का सिम जो है एक दुकान से जो है अपने नाम इशू कराया और इस प्रकार ऑनलाइन पेटीएम के थ्रू और यूपीआई के थ्रू जो है इन्होंने ट्रांजेक्शन करके लगभग 7,59,000 रुपये इनके अकाउंट से 2/6/21 और 4/7/21 के बीच में इतना ट्रांजेक्शन कर लिया। जब ये बलिया से आए और बैंक में गए पैसा कुछ निकालने के लिए तो पता चला इनके अकाउंट में पैसे नहीं है, तो ये फिर भागते हुए हम लोगों के पास 14/7 को आए। हमने तुरंत जो FIR कायम करवाया और अपने एसओजी और साइबर सेल को उसमें लगाया और इन लोगों ने अथक प्रयास करके और रात दिन एक करके इन्होंने जो है 20 तारीख तक जो है अब दोनों अभियुक्तों को जो इसमें संलिप्त थे, दोनों अभियुक्त को जो सर्वेश कुमार मौर्य और दीपक कुमार हैं इनको गिरफ्तार किया और इनके पास से 6,16,000 की जो पैसा इन्होंने निकाला था विभिन्न अकाउंट के माध्यम से यूज करके उसको भी बरामद किया। अब इनको जेल भेजा जा रहा है, अन्य और जो विधिक कार्रवाई इसमें विवेचनात्मक है उसको किया जाएगा। खबर है उत्तर प्रदेश के महाराजगंज के ब्रजमन गंज से, जहां ब्लॉक मुख्यालय पर आज फरेंदा तहसील के तहसीलदार वाचस्पति सिंह द्वारा ब्लॉक प्रमुख उदय राज यादव को पद एवं गोपनीयता की शपथ दिलाई गई। इस कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में फरेंदा क्षेत्र के विधायक बजरंग बहादुर सिंह भी मौजूद रहे। विगत दिनों हुए ब्लॉक प्रमुख के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी के उदय राज यादव ने एक तरफा जीत दाखिल करते हुए 90 वोट प्राप्त किए। विपक्ष को मात्र 6 वोटों से संतुष्ट होना पड़ा। इसी जीत के लिए क्षेत्रीय विधायक के प्रयत्न को ही जीत का प्रमुख कारण माना जा रहा है। समारोह को संबोधित करते हुए उदय राज यादव ने क्षेत्र के विकास को गति देने को ही अपनी प्रमुखता बताया। शपथ ग्रहण समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में बोलते हुए बजरंग बहादुर सिंह ने सारा श्रेय भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं एवं पदाधिकारियों को देते हुए कहा, भारतीय जनता पार्टी में शुद्ध लोकतंत्र के तहत बूथ केवल कार्यकर्ता भी प्रमुख जैसे महत्वपूर्ण पद पर आसीन हो सकता है। इसे ब्रजमनगंज के कार्यकर्ताओं ने सिद्ध कर दिया है। भारतीय जनता से हमें बहुत ज्यादा मतलब प्यार मिला और सबके प्रति आभार प्रकट करने का शपथ ग्रहण लिया और क्षेत्र पंचायत हमारे सदस्यों ने शपथ लिया, सभी ने अपनी शपथ लिया है और हम सदस्य सभी सदस्यों को साथ लेकर चलेंगे। माननीय विधायक जी,
देखते रहिए डीवी भारती समाचार, नजर हर खबर पर।